तो पे कि YouTube पे जब हम काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो मिलता क्या है? ठीक है, ये मेरे से भी सवाल किया जाता है हमेशा कि मनोज भाई आप अपना अर्निंग बताइए, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा मजबूर हैं कि अपना खुल के अर्निंग नहीं बता सकते कहीं पे। एक तो YouTube का भी कम्युनिटी गाइडलाइन है, और सेकंड अपना एक पर्सनल लाइफ भी है जिसको अपना इनकम लोगों को नहीं बता सकते। लेकिन आप ट्राई कीजिए थोड़ा ऐसा कुछ बताने के लिए, मोटिवेशन के लिए, कि क्या अर्निंग हो जाता है चैनल पे आज के डेट पे। बताओ क्या कोई सामान का ही ऐसा कुछ प्रोडक्ट बता दीजिए जो आप महीने में आपको लगता है कि हम एक खरीद सकते हैं महीने में ये। तो दोस्तों अभी के डेट में हम हर मंथ ये S22 अल्ट्रा ले सकते हैं, अभी अर्निंग इतना हो रहा है हमारा। S22 अल्ट्रा सैमसंग का फोन है, जाकर के आप गूगल में सर्च कर लेना, महीने में इतना इनकम हो जाता है कि ये खरीद सकते हैं। अब आप एक चीज बताइए अंकल जी, जैसे आप ट्रक ड्राइविंग करते हैं तो कितना आपको वहाँ सैलरी कितना मिलता था, अभी कितना मिलता है? सैलरी का मतलब हम लोग क्या कि फिक्स खर्चा के ऊपर रहता है, तो हम लोग का महीने का 25-30 हज़ार रुपया मतलब बन ही जाता है। 25-30 हज़ार काट कूट के मतलब खर्चा, मतलब अपना खा पी करके सब 25-30 हज़ार रुपया अपना। आपको अभी नहीं लगता कि यूट्यूब पे मतलब कि इतना पैसा, आप सोचे थे कभी कि हम चार्ट ड्राइवर का पेमेंट आप वो तो नहीं सोचा, लेकिन जहाँ से आ रहा उसको तो देखना जरूरी है। मेन तो आपका वही है, हाँ। है ना, उसी की वजह से आज आपका यूट्यूब है, ये भी तो है। ऐसे भी ड्राइवर आदमी ऐसा होता है ना कि उसको ज्यादातर घर में मन नहीं लगता है। अभी हम मेहनत में छुट्टी लिए हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा क्योंकि हमेशा हम लोग बाहर आदत हो गया है बाहर रहना, ये करना, कुछ चीज टेंशन पालना। प्लस आपने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, कोई इंटरेस्ट भी है ना ड्राइविंग करने, है ना, आपने जब अपना मतलब ये दुकान का काम छोड़ करके ड्राइविंग शुरू कर दिया था, तो अभी आप मन ही नहीं लगेगा अगर आपने किया। अब चाहे या तो देखा जाए कि कुछ खानदानी असर भी होता है, पिताजी ड्राइवर थे, मैंने वो एक शुरू से चला, हाँ चला इधर पीढ़ी ने, हाँ पीढ़ी, तो उनके लेकर भी कुछ ऐसा हो रहा है। पहले कई बार हम देखे हैं जब नया नया ड्राइवरी करते थे तो जैसे नींद लगता आदमी का, आंख बंद होता है ना, तो मेरे पिताजी हमको बहुत ज्यादा मानते थे, तो हम कई बार आजमाए, गाड़ी चलाते चलाते ना जैसे कोई आंख अगर बंद हो जाता है तो लगा था, साल भर लगा था ऐसा हमको, अब नहीं लगता है, साल भर जैसे लगा मेरे पिताजी हमको आवाज मारे राजेश करके, अच्छा तुम्हारा आँख खुल जाता था, इस टाइप का हम अनुभव किए हैं। अनुभव, हाँ ये चीज हम देखे हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, तो लोगों में काफी ज्यादा ये मिथ बैठा हुआ है कि रात के टाइम पे जब हाईवे या ट्रक वगैरह जाता है तो ड्राइवर लोग जो है ना ईटा दे देता है, वहाँ पर ईट दे देता है एक्सेलेटर में, और पैर को उठा करके बैठ जाता है ताकि आराम से चले, और फिर चलने दो रास्ते में अगर कोई आया तो जाएगा, ये रियलिटी है कि नहीं? नहीं ये तो नहीं है, इधर हम लोग बहुत है ये चीज, सब बोलता है कि रात में जो अगर ट्रक वगैरह जा रहा है तो बच के रहना, वो लोग ईट जाने दो ऑटोमेटिक गाड़ी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो हम नहीं सुना है, क्योंकि एक्सलेटर जो है वो ऐसा चीज की गियर से मतलब वो है, दो पैर जो अपना है ये दोनों पैर एक साथ काम करता है, तो गियर चेंज करना ही है, तो एक्सलेटर का भी मौसम बनना है, मौसम बनना। हाईवे में, हाईवे में जो हाईवे में अगर एक चाल में चलता है, एक चाल पे चलता है हाईवे पे, लेकिन ऐसा तो हम नहीं देखे कहीं ईंटा रख करके चला तो खुद भी डर लगेगा कि कब क्या होगा। आपके साथ ऐसा कोई दुर्घटना हुआ है कभी ऐसे ड्राइविंग करते हुए? नहीं अभी तक तो ऊपर वाला कृपा से नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, हम वैसा लापरवाही भी नहीं किए हैं। अगर हमको कहीं भी ऐसा लगता है कि रास्ता कहीं खराब है, जो पहले डकैती वगैरह बहुत होता था घाटी वगैरह में, तो अगर ऐसा होता है तो मेरे अंदर में एक अनुभव आता है कि हमको आगे से जो घाटी एरिया है पता है कि वहाँ चोरी डकैती होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये रनिंग रोड है और आधा घंटा हो गया आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, तो क्या कारण से नहीं आ रहा गाड़ी, जरूर कोई बात है। पहले क्या होता था कि पेड़ काट के रास्ता में गिरा दिया, रोड ब्लॉक हो गया, फिर डकैती होता था, तो हम लोग को आइडिया था कौन सा घाटी में क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ एक है झारखंड में भी कोडरमा घाटी तरफ है, हाँ, तो हम लोग उस घाटी को रात में बहुत सोच समझ के पार करते थे, अगर कोई गाड़ी चल रहा रनिंग हो रहा है तब तो ठीक है चलो, और देखते गाड़ी अभी आधा घंटा हो गया नहीं आया कोई, तो जरूर कोई बात, हम लोग गाड़ी साइड कर देते थे, जब कोई गाड़ी भी चलना लगता था तब हम लोग आप एक शुरू से सतर्क रहे हैं ना, अपना सही से रहते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं। कई बार एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग खुद डकैत से ही पूछे कि भैया रास्ता क्लियर है, ऐसा हुआ था कि बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रहा, कोई गाड़ी नहीं आ रहा, तो देख रहे जीप आ रहा खटारा सा, तो जीप वाला रोक भी दिया, रास्ता क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर है क्लियर है जाओ। उसके बाद फिर थोड़ा देर और रुक गए हम लोग कि छोटा गाड़ी आया, कोई बड़ा गाड़ी आने दो, तब कोई ट्रक आने लगा, तो ट्रक वाला से पूछे भैया, तो वो ड्राइवर बोल रहा है अरे वही तो है, देखो ना लूट के जा रहा है, हम कह रहे यार उसी से हम पूछ रहे हैं
ऐसा भी हुआ है, सही पूछ रहे हैं, चोर से पूछ रहे हैं रास्ता क्लियर है कि नहीं। तो अभी भी है कि लोगों को अगर कहीं चलना भी है रोड में अगर, तो जो रनिंग रोड है तो उस पर ध्यान देना जरूरी है कि भाई गाड़ी क्यों नहीं आ रहा। जो रनिंग रोड हम देख रहे हैं कि शुरू से